रिजवान को नायब कप्तानी से हटाना बेटी का फैसला, बाबर को तनाजात में धकेला जा रहा। रमीज पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। दूसरा वनडे मैच के दौरान दो फैंस सिक्योरिटी हिसार तोड़कर ग्राउंड में दाखिल। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। तालिबान की खवातीन पर पाबंदियां। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट सीरीज से दस्तबरदार शान मसूद को नायब कप्तान बनाकर गलती की गई। आकिब जावेद। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में फतह के बाद यूट्यूब चैनल पर की गई गुफ्तगू में रमीज राजा ने कौमी खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि पहले वनडे में बाबर और रिजवान दोनों बहुत प्रेशर में थे। टेस्ट सीरीज के बाद बाबर की कप्तानी पर खामखा प्रेशर डाला गया। इस तरह की चीजों से टीम का माहौल खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान बाबर आजम से मुश्किल सवालात पूछे जा रहे हैं, उन्हें बेमानी तनाजात में धकेला जा रहा है। मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तानी से हटाने के फैसले पर रमीज राजा का कहना था कि रिजवान को खामखा नायब कप्तानी से हटाया गया। हमें पता है रिजवान जी जान लगाकर खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देने आ खेलने में रिजवान से बड़ा सिपाही कोई नहीं, लिहाजा उनकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मोहम्मद रिजवान एक बाकायदा कप्तान रहे हैं तो अब व्हाइट बॉल में ऐसा तजुर्बा होना ही नहीं चाहिए था। नसीम शाह करियर के इब्तदाई 5 वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। नसीम शाह ने अपने करियर के 5वें वनडे में 18 विकेटें मुकम्मल की और यूं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रियान हैरिस का रिकॉर्ड तोड़ा। नसीम शाह ने ये कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अंजाम दिया। उन्होंने मैच में मजमुई तौर पर 3 विकेटें हासिल की। रियान हैरिस ने इब्तदाई 5 वनडे में 17 विकेटें हासिल की थी। नसीम शाह ने पिछले मैच में 4 वनडे में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। दूसरा वनडे मैच के दौरान दो फैंस सिक्योरिटी हिसार तोड़कर ग्राउंड में दाखिल। कराची पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले दूसरे वनडे मैच के दौरान यके बाद दीगरे दो फैंस सिक्योरिटी हिसार तोड़कर ग्राउंड में दाखिल हो गए। ग्राउंड में दाखिल होने वाले दोनों शायकीन रिजवान और बाबर के फैंस थे। ग्राउंड में दाखिल हैकर एक ने रिजवान को गिले लगा लिया। बाबर आजम का फैन अपनी कोशिश में नाकाम रहा। दोनों फैंस सिक्योरिटी बार तोड़कर मैदान के अंदर दाखिल हुए, इसके बाद फौरी तौर पर सिक्योरिटी अहलकार भी हरकत में आए और दोनों को अपने साथ ले गए। सिक्योरिटी अहलकारों की दोनों से पूछगुछ जारी है। दोनों फैंस सिक्योरिटी बार तोड़कर मैदान के अंदर दाखिल हुए, इसके बाद फौरी तौर पर सिक्योरिटी अहलकार भी हरकत में आए और दोनों को अपने साथ ले गए। सिक्योरिटी अहलकारों की दोनों से पूछगुछ जारी है। नेशनल बैंक एरिना में खेले गए दूसरे मैच में कीवी कप्तान कीन विलियमसन ने टॉस जीता और पाकिस्तान को फील्डिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 262 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड की टीम एक गेंद कबल 261 रन बनाकर अलिफाट हो गई। डेवन को 90-101 और कीन विलियमसन ने 85 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 38 रन देकर 4 खिलाड़ियों को अलिफाट किया, जबकि नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ और ओसामा मीर ने 1 विकेट हासिल की। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। तीसरा और फैसला कुन मैच जुमा को कराची में ही खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज मार्च में होनी थी, ताहम ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से दस्तबरदार हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि सीरीज से दस्तबरदार होने के लिए हुकूमत से तवील मशावरत हुई। फैसला ये हुआ कि इस वक्त सीरीज खेलना मुमकिन नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक फैसला तालिबान की जानिब से ख्वातीन और लड़कियों की मुलाजमत और तालीम पर पाबंदी की वजह से किया गया। ख्वातीन और लड़कियों को पार्क्स और जिम में जाने का भी मौका नहीं दिया जाता। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ख्वातीन और मर्दों के खेलों में हिस्सा लेने की हिमायत करता है। आकिब जावेद का कहना था कि ये सब नई मैनेजमेंट कमेटी की सोच नहीं, दूसरे लोगों की ख्वाहिश है। मैं समझता हूँ कि नई मैनेजमेंट कमेटी को पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने पर काम करना होगा। अभी हम हर फॉर्मेट के अलग कप्तान बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। कभी हम ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं तो कभी हम इंग्लैंड बनना चाहते हैं। पहले उनकी कामयाबी की कहानी से तो सीखो। आकिब जावेद ने कहा कि शान मसूद को नायब कप्तान बनाकर गलती की गई, ये होना नहीं चाहिए था। शादाब खान व्हाइट बॉल क्रिकेट के नायब कप्तान हैं। अगर वो इंजर्ड है तो फिर आपको नायब कप्तान का ऐलान करने की जरूरत नहीं थी। बाबर आजम को अगर किसी वजह से ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है तो कोई सीनियर जिम्मेदारी संभाल ले, जैसा कि टेस्ट मैच में सरफराज अहमद ने जिम्मेदारी संभाली। अगर सरफराज टीम में है तो वो संभाल ले, वरना मोहम्मद रिजवान संभाल लेता। शान मसूद को नायब कप्तान बनाकर अच्छा फैसला नहीं किया गया। साबिक फास्ट बॉलर ने कहा कि शान मसूद को नायब कप्तान बनाने से लगता है कि बाबर आजम और बोर्ड ऑन बोर्ड नहीं, कप्तान के अर्ध गिर्द सब चलता है। उसने प्लान करना और इसी ने ग्राउंड में टीम को खिलाना है, इसलिए कप्तान के साथ ऑन बोर्ड होना चाहिए। आकिब जावेद ने कहा कि शाहिद आफरीदी ने एक दो चीजें अच्छी की हैं। सरफराज अहमद को वापस लाए, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लाए। उनके बारे में कुछ कहने के लिए वक्त देना होगा।